यूपी के कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां रविवार देर शाम एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। 2 वर्षीय मासूम के सामने ही पत्नी की सरेराह धारदार हथियार से हत्या करने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मां के शव के पास काफी देर तक बच्ची बेलगती रही। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। घटना शिवाली कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गाँव की है, जहाँ रहने वाले अमित की पूजा से 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था, जिसके चलते पूजा अक्सर अपने मायके में रहती थी। वहीं अमित रोजाना की तरह काम से लौटा तो घर में सास बहू के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान अमित ने पूजा से चुप रहने को कहा तो पूजा गुस्से में मायके जाने के लिए घर से निकली। पूजा कुछ ही दूर पहुंची थी कि धारदार हथियार लिए पीछे से अमित आया और सरेराह उस पर एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिससे पूजा जमीन पर गिर पड़ी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी पूरे परिवार के साथ मौके से भाग निकला। राहगीरों ने घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि 112 डायल पर पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पूछताछ में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।